हेलो फूडीज, वेलकम टू ऑल इन रसोई। वीडियो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। हमने यहाँ शक्कर की बुरे के बिना ही बेसन के लड्डू बनाए हैं। लड्डू मुंह में डालते ही घुल जाएंगे और ये आपके मुंह में चिपकेंगे भी नहीं। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। जिनको मिठाई बनानी नहीं आती वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी को हमने बिना पिघला ही डाला है। अब इसमें डालेंगे 2 1/4 कप बेसन। बेसन को कप में चम्मच से दबाकर फिर भरें। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो आप अपने घर में जो भी कटोरी हो उससे मेजर करें। घी और बेसन को अब हम पलटे की मदद से मिलाएंगे। जब आप बेसन भुने तो आपकी गैस की फ्लेम एकदम ही धीमी होनी चाहिए। बेसन को हम धीमी आंच पर इसी तरह 2-3 मिनट तक भुनेंगे। बेसन को भुनते हुए हमें 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून फिर से घी डालेंगे। घी डालने के बाद बेसन को हम 2-3 मिनट फिर से भुनेंगे। बेसन को भुनते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 टीस्पून घी और डालेंगे। हमने जितना बेसन लिया है उसे भुनने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। अगर आप ज़्यादा बेसन लेते हैं तो ये समय ज़्यादा लगेगा। बेसन में घी डालने के बाद हम इसे मिलाएंगे और फिर से भुनने के लिए शुरू करेंगे। हमें बेसन में घी तब तक ऐड करना है जब तक कि बेसन घी ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि हमारा बेसन अभी ड्राई है। इस स्टेज पर अगर आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बिखर जाएंगे। हमने यहाँ घी को धीरे धीरे इसलिए डाला है क्योंकि कुछ बेसन में घी ज़्यादा लगता है, कुछ में कम। अगर आप घी को शुरुआत में ही ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं और फिर बेसन डालकर इसे भूनते हैं तो जब बेसन पूरी तरह से भुन चुका होता है तो ये घी छोड़ता है। उस स्टेज पर आप उसमें शक्कर डालकर लड्डू का आकार देंगे तो लड्डू फ्लैट हो जाएंगे, गोल नहीं बनेंगे। यहाँ मैंने टोटल 9 से 10 टीस्पून घी डाला है, इसलिए हमने शुरुआत में थोड़ा सा घी डालकर पहले बेसन भुन लिया। जैसे ही हमारा बेसन थोड़ा सा भुन गया फिर से हमने इसमें घी डालकर भुना। आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो चुका है और बेसन ने घी भी छोड़ दिया है। अगर बेसन भुनते समय घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाए तो घबराएं नहीं, एक अलग बर्तन में थोड़ा सा सूखा बेसन लेकर उसे भुन के इसमें डालें। बेसन भुन के तैयार हो चुका है। जैसे जैसे बेसन भुनता है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जैसे जैसे बेसन भुनता है इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा बेसन भुनकर तैयार हो चुका है। भुने हुए बेसन को एक थाली में निकालें। बेसन को थाली में डालने के बाद हम इसे हल्का गुनगुना होने तक इसी तरह छोड़ देंगे। जब तक भुना हुआ बेसन ठंडा हो रहा है हम इसमें 3-4 हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं जब हमने भुना हुआ बेसन इसमें डाला था तब वो सॉफ्ट था, अब थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। भुने हुए बेसन को हाथ से छूकर देखें, अगर ये थोड़ा सा गुनगुना है तब हम इसमें शक्कर डालेंगे। यहाँ हम पहले 1 कप पिसी हुई शक्कर डालेंगे। शक्कर को भी हम धीरे धीरे ही डालेंगे। पिसी हुई शक्कर को डालने के बाद हम पलटे से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने शक्कर को एक साथ इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि कुछ घर में एकदम कम मीठा खाते हैं, किसी के यहाँ मीडियम और किसी के यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद होता है, इसलिए आप शक्कर को धीरे धीरे ही डालें। शक्कर को डालने के बाद पलटे से अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें। यहाँ मुझे मीठा थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैंने 4-5 चम्मच पिसी हुई शक्कर फिर से डाली। पिसी हुई शक्कर डालने के बाद इसे हम फिर से मिलाएंगे। शक्कर को गर्म बेसन में न डालें नहीं तो वो पानी छोड़ देगी और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। भुने हुए बेसन में शक्कर डालने के बाद अगर घी कम लग रहा हो तो थोड़े से घी को पिघलाकर आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। अब बेसन का थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम लड्डू को आकार देंगे।
देख सकते हैं हमारे बेसन का लड्डू कितना परफेक्ट बना है। लड्डू बनाते समय दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला, गर्म बेसन में पिसी हुई चीनी बिल्कुल न डालें, और दूसरा ये कि जब आपका बेसन हल्का गुनगुना हो तब आप इसमें पिसी हुई चीनी डालें। अगर आपके लड्डू हल्के फ्लैट बने हैं और एकदम गोल नहीं बने हैं तो बनाए हुए लड्डुओं को 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 2-3 घंटे के बाद इन्हें फिर से शेप दें तो आपके लड्डू एकदम गोल बनेंगे। इसी तरह आप सभी लड्डुओं को बना लीजिए। तो लीजिए, तैयार है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ टेस्टी बेसन के लड्डू। ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।